हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अशन फ्रॉम BRC। आज दोस्तों मैं BRC का पूरा कंप्लीट सेटअप आपको दिखाऊंगा, जिसमें हम समझाएंगे आपको कैसे कनेक्शंस करने हैं और कैसे एक सेटअप को प्ले करना चाहिए। ये देखिए, ये एक 16 चैनल का हमने मिक्सर दिया है कस्टमर को। इसके अंदर हमने एक सिंगल इनपुट लगा रखी है और ये दोनों पैड और HPF दोनों बाहर रहेंगे। गेन हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे, हमें जितनी चाहिए। कंप्रेसर बंद है, हाइस अपनी मर्जी की, मिड अपनी टेस्ट के हिसाब से, लो अपनी मर्जी के हिसाब से। ऑक्स अभी फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे, इफ़ेक्ट हम यूज़ नहीं कर रहे। पैन हम सेंटर में रखेंगे कि लेफ़्ट राइट दोनों इक्वली बैलेंस्ड आउटपुट निकले। इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ़ करोगे तो सिग्नल आउट नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सिलेक्शन है और ये स्टीरियो आउटपुट सिलेक्शन है। इसको क्लिक, ये बाहर आ गया तो ये आउटपुट नहीं आएगी। क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टीरियो से आउटपुट आएगी। 1, 2, 3, 4 को सिलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 में से आउटपुट आएगी। ये यहाँ से सिलेक्शन है और ये हम फिलहाल स्टीरियो आउट ले रहे हैं। ये हमारा एक सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने एक 16 चैनल का कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मिक्सर दिया है। फिलहाल मोबाइल से एक सॉन्ग प्ले करेंगे। एक एम्पलीफायर हमने उनको 5000 वॉट का दिया है, एक एम्पलीफायर उनको 10000 वॉट का दिया है। साथ में एक स्टेबलाइजर है, 15 किलो वाट का स्टेबलाइजर दिया है। एक टॉरस का क्रॉसओवर दिया है जिसमें से हम फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कर रहे हैं। ये मिक्सर है, यहाँ से दो आउटे लेके हमने यहाँ पे लगाई है। यहाँ से हमने एक इनपुट एक आउटपुट लेके हमने चैनल 1 में देके इसको पैरलर किया है। एक हमने इसमें एक इनपुट देके इस एम्पलीफायर को पैरलर किया है। यहाँ से हमने पैरलर किया हुआ है। ये पीछे से हमने बोर्ड में से वायर्स लगाई हैं। इसमें कुछ डायरेक्ट स्विचेस हैं बट हम आउटपुट से ही प्रेफर करेंगे। अगर कुछ आप चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट भी हैं, आप उससे भी आउटपुट ले सकते हो। फिलहाल हमने 4 टॉप 2 बेस दिए हैं कस्टमर को। ये उसका बैक व्यू है और हमको जो भी प्ले करना है हम यहाँ से मास्टर को उठाएंगे। मास्टर को उठाने के बाद इसको करेंगे। हमारा सॉन्ग फिनिश हो गया, एक सॉन्ग प्ले करते हैं।